दक्षिणी दिल्ली के पिलांजी गांव में मनाया गया गोवर्धन पूजा। जी हां, दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा की परंपरा यूं तो पूरे देश में है, लेकिन दिल्ली में इस पूजा का एक खास महत्व है। भगवान गोवर्धन की पूजा गाय के गोबर से भगवान श्री कृष्ण के कलाकृति बनाकर उनकी पूजा की जाती है। भगवान गोवर्धन की पूजा पूरे दिल्ली में होती है, लेकिन पिलांजी गांव में ये पूजा पूरे दिल्ली का सबसे भाव तरीके से मनाई जाती है। एक बड़े से ग्राउंड में पहले गाय के गोबर से भगवान की कलाकृति बनाई जाती है, उसके बाद उसे पूरे ग्राउंड को गुलाब और कई सारे फूलों से सजाया जाता है। आप देख सकते हैं, ये तस्वीर इस ग्राउंड की है जहां पर भगवान की कलाकृति बनाकर पूजा की जा रही है। पारंपरिक तरीके से पिलांजी गांव की महिलाएं अपने घरों से आकर पहले जल अभिषेक करती है, उसके बाद भगवान गोवर्धन के कलाकृति की परिक्रमा करती है। इस गांव के लिए ये त्योहार बेहद खास है। परंपरागत तरीके से पूजा करने के बाद महिलाएं अपने परंपरागत तरीके से नाच नृत्य करके इस त्योहार का जश्न मनाती हैं। इस त्योहार में महिलाओं के साथ साथ घरों के बच्चे भी आते हैं। यह एक प्राचीन परंपरा है, बुजुर्ग महिलाओं का मानना है उन्होंने यह विरासत अपने बच्चों में दी है और वह चाहेंगे कि यह परंपरा हमेशा ऐसे ही चलती रहे। दिल्ली से आर सोनी न्यूज के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की रिपोर्ट। और ये हमारी सदियों से चली आ रही है, पुरानी पीढ़ियों से ही, और हम भी इसे मनाते ही आ रहे हैं ताकि हमारी अगली जनरेशन इसे देखे और मनाए। और हमारे बड़े बूढ़े भी मनाते हैं, हमारे बड़े बूढ़े भी गोवर्धन पूजा जो है मनाया जाता है, इसकी क्या महानता है, क्या इतिहास है? त्योहार है, पहले आयो जाग के फिर गुजर के आयो। ठीक है जी, सदियों से चली आ रही है, हमारे लोग साथ पुरुषों से ही मनाया जाता है। जैसे हमारे गांव से फिर गवर्नमेंट हमें गाय भैंस निकाल दी, यहाँ से दिल्ली में घर घर में बनाते थे, और गाय भैंस निकाल दी तो बच्चे लाते हैं बाहर तक गोबर, फिर घूम के मिल के बनाते हैं। अब इसको बाहर ले आए हम, पहले घर घर में बनाते थे, अब सबने मिल के बनाते हैं। गाँव में तो ये पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है, दिल्ली में इस तरह का पूजा करना कितना दिक्कत हो रहा है? ये दिल्ली में गांव है ना, एक ये बहुत पुराना गांव है, तो अपने पुराने गांव की परंपरा तो हम जी थोड़ा सीधा रख, हम घर घर की बना लेते हैं। अच्छा, आप लोग तो ये परंपरा निभाती आ रही हैं, अब नए जनरेशन है, क्या उनको जानकारी कर रहे हैं? आपके सामने खड़े हैं बच्चे ही कर रहे हैं, तो आगे भी अपने ले जाएंगे। हम इसलिए मनाते हैं सर, हम इसलिए ही मनाते हैं ताकि आने वाले बच्चे हमारी परंपरा को ना भूले, और वो भी थोड़ा सा पूजा की विधि बताएं कि कैसे किया पूजा, जैसे की बतासे रखते हैं, आठ पूरी बनाते हैं, और एक रही लगते हैं, दूध बिलौनी रही
बहुत से सजाया गया जो बनाया गया, ये क्या कलाकृति बनाई गई? पहले हमने गोबर से बनाया था, गोबर से बनाया था। इसमें क्या कौन से भगवान की पूजा की जाती है? गोवर्धन कृष्ण जी। ठीक है, ठीक।